हेलो दोस्तों दोस्तों आपको वीडियो शुरू करने से पहले इसकी स्पीड को 2x या 1.75x कर लेना, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव हो सके। तो दोस्तों अभी आपको मैं क्या दिखाने वाला हूँ। सपोज करो आपके पास थ्री शीट्स हैं जिसमें आपको क्या दिया है, सेल्स डाटा दिया है 2035 ईयर का दिया है, 36 का दिया और 37 का दिया। और आपको क्या डिमांड करता है कोई कि आपको यहाँ पे सम करना है 2035 का, 36 का, 37 का। तो इस सम को आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फॉर्मेट जो है वो सेम होना चाहिए तीनों शीटों का, ठीक है। तो तीनों शीटों का सेम फॉर्मेट है, तो आप देखोगे कि B4 में इम्प्लाई 1 का जनवरी का है, तो इसमें भी B4 में इम्प्लाई 1 का ही है जैन का, और इसमें भी B4 पे इम्प्लाई 1 का है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे B4 पे जाओगे और फॉर्मूला लगाओगे इज इक्वल टू सम का। उसके बाद क्या करोगे, शीट 1 पे जाओगे, उसके बाद फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करोगे, उसके बाद शीट 2 को सिलेक्ट करोगे, शीट 3 को सिलेक्ट करोगे और सिंपल क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और एंटर मारोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे 70 आ गया, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि 70 ही होगा कि 50 है। देखो 2035 का 50 है, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 70 दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बाकी सेल्स का भी चाहिए, तो आपको एक एक फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको सिंपली क्या कर देना है, एम तक ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली सम आ गया, और आपको अगर सारों का चाहिए तो आप सिंपली ड्रैग कर सकते हो। आप सपोज करो कि यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, 40 करता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली इधर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 60 पे हो जाएगा। अभी 60 है, अभी मैं इसको फिर से 50 करता हूँ, तो आप देखोगे कि 50 प्लस 10 प्लस 10 70 हो जाएगा, तो ये 70 हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हो, बट अब इसमें एक क्या है, आपके पास लिमिटेशन है। सपोज करो अभी आपका एम्प्लॉई एक ऐसा है, ठीक है, तो हो सकता है दूसरी शीट में आपका ऐसा ना हो, आपका यहाँ जैसे हो, है ना, तब क्या करोगे, या तब क्या करोगे, तब भी तो आपको दिक्कत वाली बात है ना। तब उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या दिखाऊंगा, कंसोलिडेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।